हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खुशबू किचन एंड गार्डनिंग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सबको गुड मॉर्निंग बोलना चाहूँगी। अभी यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है, तो आज मैं आप लोग को दिखाने जा रही हूँ कि मैं बहुत सारे यहाँ पे लॉन्ग रिजगार्ड की हार्वेस्टिंग की हूँ। उसके पहले मैं आपको कितना अच्छा यहाँ पे अभी वेदर कर रखा है, मॉर्निंग का टाइम है, बहुत प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स, ग्रीन ग्रीन। और ये इधर है हमारा गार्डन, टेरेस गार्डन। ये है फ्रेंड्स हमारा खीरे की बेल, आप देख सकते हो कितनी छोटी सी इसकी वाइन है। और अभी मैं इसे देखिए ग्रेप्स के ही पॉट में लगा रखी थी, इसकी सीडलिंग की थी, तो हमारे पास सॉइल एक्स्ट्रा नहीं थी फ्रेंड्स, तो इसी में मैं छोड़ रखी थी। तो अभी देखिए छोटे से खीरे इधर भी आए हुए हैं और इधर देखिए बड़ी से खीरे आए हुए हैं, तो इसे मैं एक दिन बाद ही हार्वेस्ट करूँगी। अभी काफ़ी छोटी और ये बढ़ेगी, तो अभी मैं एक दिन दो दिन पहले भी इसे खीरे हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं इसके लिए आपको टिप्स बता रही हूँ। जितनी भी आप टेरेस पे वेजिटेबल्स या फ्लावर्स के प्लांट्स लगा रहे हैं फ्रेंड्स छोटे से पॉट में, तो उसकी आप जो एक्स्ट्रा लीफ है फ्रेंड्स, उसकी कटिंग करते रहना चाहिए। देखिए मैं अभी कटिंग की हूँ बहुत सारे लीफ की इससे, तो ऐसा नहीं कि सारे लीफ को आपको काटने हैं जो यूजलेस हो गए। जैसे इस तरीके देखिए लीफ ड्राई हो रहे हैं, तो इसे अब मैं कट कर दूंगी। इसे काट लीजिए एक एक करके, मतलब डेली नए लीफ निकलते जाएंगे। इससे क्या होंगे कि पौधे की एनर्जी सेव होगी और हमारे पौधे जो होंगे अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे, थोड़ी सी भी मिट्टी में अच्छे से आपके पौधे ग्रो करेंगे। तो इन सब जो मैं टिप्स आप लोग को शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, उन सब टिप्स को आप ज़रूर से फॉलो करें, तो बहुत अच्छे से आप टेरेस गार्डनिंग कर सकोगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं नेक्स्ट आप लोग को दिखाने जा रही हूँ हमारा पोमोग्रेनेट प्लांट। आप देख सकते हो हमारा पोमोग्रेनेट प्लांट फ्रेंड्स, जिसे मैं सीड से ही ग्रो की थी, अभी मैं उसे रिपोर्ट कर दी हूँ बड़े से वेस्ट प्लास्टिक जो हमारे पास बकेट थे उसमें कर दी हूँ। और अभी देखिए इसमें बहुत सारे फ्लावर्स आ रहे हैं फ्रेंड्स पोमोग्रेनेट के। स्टार्टिंग में तो कुछ दिन हमारे फ्लावर इसमें जो थे वो झड़ रहे थे फ्रेंड्स, तो मैं उसमें उसकी कटिंग की, थ्रीजिंग कटिंग की, थोड़े से पेशेंस रखने पड़ते फ्रेंड्स। तो मतलब इसके बारे में भी आप कुछ डिटेल्स चाहते हो, मतलब जानकारी डिटेल में, तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगी आपको। और वो मैं कौन सी ट्रिक यूज की फ्रेंड्स, जिसकी वजह से हमारे पोमोग्रेनेट के जो फ्लावर्स होते हैं अब एक भी नहीं झड़ते हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हो बहुत सारे आए हुए इसमें फ्लावर। और अभी देखिए इसमें मैंने पोमोग्रेनेट को कवर करके रखा है, छोटा सा पोमोग्रेनेट आया है, मैं इसे कवर की हूँ। जब मैं इसकी हार्वेस्टिंग की हूँ करूँगी, तो इसकी वीडियो ज़रूर से आप लोग से शेयर करूँगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि देखिए मैंने कितने सारे वेजिटेबल अभी हार्वेस्ट किए हैं टेरेस से, और लॉन्ग रेज गर्ड एंड स्मॉल वाले भी, और ये सारे मतलब प्रिपेयर हो गए थे, तो सबको मैंने हार्वेस्ट कर लिए हैं इधर से। और छोटी छोटी वाली है एक दो, उसे मैं छोड़ रखी हूँ। अभी देखिए इस तरीके के जो है ड्राई लीफ है, इसे मैं कट करके हटाऊंगी। अभी देखिए कुछ कुछ मैं लीव्स भी इसके हटाई हूँ। तो ये सब है फ्रेंड्स टेरेस गार्डनिंग के कुछ टिप्स, जिसे आप ज़रूर से फॉलो कीजिए। और अभी देखिए करेले की भी वाइन है जो थोड़ी सी कवर हो चुकी है ये लौकी की वाइन से, क्योंकि इसकी पत्ते काफ़ी छोटे छोटे होते हैं ना, इसकी वजह से। अभी देखिए मैं आपको तुरई की फ्लावर्स दिखाऊंगी, बहुत सारे आए हुए हमारे गार्डन में, सुबह सुबह ही इसके फ्लावर खिलते हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं देखने में फ्रेंड्स। अब देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ पूरे ऊपर में, तो कुछ फ्लावर जो मेल फ्लावर होते हैं फ्रेंड्स उसके साथ उसके फ्रूट्स नहीं आते हैं, और जो फीमेल फ्लावर होते हैं उसके साथ फ्रूट्स आते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कौन सा मेल फ्लावर है कौन सा फीमेल। तो आप जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये इसके साथ फ्रूट्स नहीं हैं, तो ये जो है हमारा
यहाँ पे तुरई की जो है ये मेल फ्लावर्स हैं, और ये देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ इसके साथ फ्रूट्स हैं। देखिए तुरई लगी हुई है और फ्लावर भी है, और एक देखिए कल ये फ्लावर आने वाला है। तो ये है फीमेल फ्लावर, ये देखिए छोटी वाली झिंगी भी है तो काफ़ी छोटी है। इधर भी बहुत सारे मेल और फीमेल फ्लावर्स आए हुए हैं, बहुत सारी फ्रूटिंग हो रखी है। उधर भी है देखिए, आप देख सकते हो बहुत सारे। अभी देखिए छोटे छोटे लौकी भी आए हुए हैं, ये लौकी की वाइन है फ्रेंड्स। और ये देखिए लौकी के फ्लावर हैं, तो लौकी की फ्लावर जो होती है ना फ्रेंड्स, वो इवनिंग के टाइम में खिलते हैं और सुबह होते होते ये ख़राब हो जाते हैं। और अब मैं आप सबको लौकी भी दिखाऊंगी जो हमारे टेरेस पे रेडी हो गए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा लौकी अभी बिल्कुल पूरी तरीके से रेडी नहीं हुआ है, और इसे मैं कल हार्वेस्ट करूंगी। और देखिए छोटी सी लौकी है, एक इधर भी लगी हुई है, ये अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रही है। और मैं भी देखिए यहाँ से जो सारे ये देखिए हार्वेस्ट किए हैं। उधर देखिए एक और तुरई आपको दिख रही होगी इधर, और मैं दिखाने वाली हूँ देखिए छोटी सी रेजगर इधर लगी हुई है। और ये है फ्रेंड्स हमारा वाटरमेलन, तो अभी मैं इसे प्लास्टिक से कवर कर रखी हूँ, आप देख सकते हो इधर से छोटा सा अभी आया है ये, देखती हूँ कितना ये ग्रो करता है। एक्चुअली वाटरमेलन ये सब फ्रेंड्स फ्लोर पे अच्छे से मतलब जमीन पे जो लगाने के बाद वो अच्छे से ग्रो करते हैं फ्रेंड्स, लेकिन अभी मैं यहाँ पे फ़िलहाल हैंग कर दी हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा यहाँ पड़ रही है। अगर मैं इसे इस तरीके से ज़मीन पे डालूँगी इसकी बेल तो वो ड्राई हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पे है। तो अभी यहाँ से मैंने ये देखिए झींगी की हार्वेस्टिंग कर ली है। तो मैं दिखाने वाली हूँ देखिए हमारे जो गुआवा है जिसकी मैं कटिंग की थी कुछ दिन पहले ही, अभी इसमें देखिए फ्लावर भी आना शुरू हो रहे हैं फिर से। तो इस बार मैं जब भी इसमें फ्रूट्स लगेंगे फ्रेंड्स तो मैं इसे प्रोटेक्ट करूँगी प्लास्टिक बैग्स लगाकर, पुट्टी लगाकर इसके बैग्स से कवर करके, जिससे कि स्क्वायरल वगैरह या फिर पैरोट्स इसे ख़राब ना कर सके। सपाटू भी थोड़ी सी बड़ी हो गई है आप देख सकते हो। और ये हमारा ड्रैगन फ्रूट प्लांट है, तो ये भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, उधर तक फैल चुकी है। और ये है हमारा लेमन, तो अभी देखिए अच्छा इसकी ग्रोथ चल रही है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो बड़े बड़े हो चुके हैं लेकिन अभी ये तैयार नहीं हुए हैं। और अभी भी देखिए इसमें फ्लावरिंग हो रखी है, आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स बहुत अच्छे से इसकी। अगर इसके रिगार्डिंग भी आपको कुछ क्वेरी है तो प्लीज़ हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर से पूछें। देखिए कितने सारे लेमन आए हैं, अभी देखिए इधर भी फ्लावर हो रहे हैं, फ्लावर्स बहुत सारे आ रहे हैं इधर भी। अभी देखिए ब्रिंजल्स वगैरह कैसे रेडी हो गए इधर, तो मैं इधर से ब्रिंजल की भी हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ। ये छोटे छोटे ही आएंगे, ज़्यादा बड़े नहीं आते हैं। और ये दूसरा प्लांट तो इसमें भी है दो तीन, तो इधर से मैं ब्रिंजल इतने सारे हार्वेस्ट कर ली हूँ, और भी है हमारे पास तो ब्रिंजल का, तो वहां से करूंगी। और ये देखिए छोटी सी मैं हमारी किचन की वेस्ट मटकी थी फ्रेंड्स, तो उसमें मैं ये देखिए मतलब लीफ से ही इसे ग्रो की थी, अजवाइन का प्लांट है, अजवाइन लीफ का प्लांट है ये फ्रेंड्स। और ये अभी बहुत ज़्यादा मतलब यूजफुल है मेरे लिए क्योंकि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो इसे आप टी में डालो, पराठे में डालकर खाओ, और इसके पकौड़े भी बनते हैं,
तो मैं किसी दिन आपको इसके पकोड़े भी बनाकर जरूर से बताऊंगी। तो अभी फिलहाल मैं 2-3 लीफ इसकी हार्वेस्ट कर रही हूँ इस तरीके से, देखो। और इसके मैं या तो टी बनाकर पीऊंगी, ग्रीन टी बनाकर आप इसका पी सकते हो, काढ़ा में यूज कर सकते हो, बहुत ही हेल्पफुल होता है और हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिट करता है फ्रेंड्स। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं बहुत। मैं इस पर एक डिटेल्स वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए, तो फिलहाल इसे मैं रख लेती हूँ। सर्दियों में इसके आप पराठों में डालकर बना सकते हो, बहुत अच्छा लगता है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो कुछ ब्रिंजल्स इधर भी हैं, तो रख देती हूँ, ये देखिए। हूँ चिलीज की मैं यहाँ पे थोड़े से चिलीज भी हार्वेस्ट कर लूंगी। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि मैं यहाँ पे छोटे से वेस्ट ट्रॉली बैग में ही चिलीज प्लांट को ग्रो कर रखी हूँ, और इसमें देखिए बहुत सारे चिलीज आए हुए हैं। तो इसे मैं तोड़ूंगी जो बिल्कुल ही रेडी हो गए हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स आज की हमारी ये हार्वेस्टिंग की वीडियो हो चुकी है कंप्लीट। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी वीडियो। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले। बाय, टेक केयर।